सो वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडिट के तीन चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 एंड 6। तीनों के नोट्स मैं आपको ऊपर से मतलब लाइक एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि तीनों चैप्टर को कम समय में कंसोलिडेट करना ही मतलब लाइक हार्ड है। तो मैं नोट्स के जस्ट की हेडिंग्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एक्चुअली मतलब टैक्स ऑडिट की वजह से 30 सितंबर कब खत्म हुआ पता ही, मतलब लाइक पूरा छुट्टी था ही नहीं, लाइक संडेज को भी नहीं था, तो इसकी वजह से वीडियोस पहले बन जानी चाहिए थी, बट अभी मेरे पास टाइम है तो लाइक ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो ये चैप्टर जो है वो एमसीक्यू बेस से इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इस चैप्टर को 7 पेजेस के अंदर कवर किया है। इसके अंदर मैंने मॉड्यूल का ही लिखा है सब। तो सबसे पहला तो इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि ऑडिटर शुड टेक केयर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, नॉट मिसलीड एनीबडी। दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ। मतलब आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑडिटर किस तरीके से खुद को सेटिस्फाई करेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड नहीं कर रही है। तो इसके अंदर ये कुछ 5-6 पॉइंट जो है वो कवर किए हैं कि अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर एंट्रीज हैव बीन फास्ट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली पास्ड एंड सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर नो ओमिशन ऑफ एंट्री, किसी भी एंट्री को आपने ओमिट नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब वो अच्छा एक मतलब जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है ट्रू एंड फेयर होता है। एक हमेशा याद रखना एब्सोल्यूट ओपिनियन जो है वो ऑडिटर कभी प्रोवाइड ही नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है। मतलब एब्सोल्यूट ओपिनियन मतलब कि 100% करेक्ट ओपिनियन तो ऑडिटर फॉर्म करता ही नहीं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज चांसेस, क्योंकि ऑडिट के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन है। कुछ कंट्रोल्स जो हो गए वो ऑडिटर को बताया ही नहीं मैनेजमेंट ने, तो उस केसेस के अंदर तो फिर ऑडिटर मतलब किस तरीके से डिटेक्ट कर पाएगा। तो ऑडिटर जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। इन्फॉर्मेशन कन्वेड मस्ट बी क्लियर एंड नॉट एम्बिग्यूस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपरली क्लासिफाइड डिजायर्ड एंड डिस्क्लोज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं, तो इन सबको ऑडिटर जो है चेक करके अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएटली जो है वो प्रेजेंट की गई है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव एज पर SA 200 है वो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आई थिंक। सो आपको ये रट्टा मार करना चाहिए टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल। एक तो देखना है कि भाई ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस कि भाई FAs जो है मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, फिर उसके पास जो है उसको रिपोर्ट करना है टू रिपोर्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय SAs एंड विद अकाउंट फाइंडिंग्स। तो इस तरीके से ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर स्कोप ऑफ ऑडिट, इसके अंदर एक एक्रोनिम है SCOLD R, S फॉर सफिशियंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस तरीके से ये सारी चीजें को मैंने एक्रोनिम्स फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो स्कोप ऑफ ऑडिट आप इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैंने लिखा है। आगे का सेंटेंस आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी तो मतलब लिखना ही पड़ेगा ना, इतना सिर्फ स्कोप ऑफ ऑडिट के अंदर 5 लाइन तो लिखोगे नहीं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हाईलाइट होने चाहिए वो मैंने लिखे हैं। एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट, तो इसके अंदर RED CCC BBB इस तरीके से ये चीजें जो है वो कवर हो जाएगी। फिर इसके अंदर आपको पूछेंगे एडवांटेज ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या एडवांटेज है, क्यों ऑडिट करानी चाहिए। तो इसके अंदर है कि टोल्ड बिग स्कैम, मतलब कि सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। फिर होता है कि आपको सेटलिंग लाइबिलिटी ऑफ द टैक्सेस, डिटेक्शन एंड वेस्टेज ऑफ द एंड वेस्टेज, डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेज। इस तरीके ऑडिट करोगे, ऑडिट का मतलब कि चेकिंग करना, तो चेकिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कितना फ्रॉड है कितना नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड एंड केप्ट। गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट को चाहिए होगी जिसलिए ऑडिट कराना जरूरी है। सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन एक्सिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द वेरियस कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इस तरीके से एडवांटेज जो है वो याद कर लेना। लिमिटेशन कौन कौन सी, इनहेरेंट लिमिटेशन जो है वो 4 इनहेरेंट लिमिटेशन है। एक मिनट, सो ये लिमिटेशंस जो है ऑडिट के अंदर आपको देखने मिल जाएगी। फिर आता है रिलेशनशिप ऑफ ऑडिट विथ अदर डिसिप्लिन के साथ साथ कौन कौन सा रिलेशनशिप है। तो ये सारे अकाउंट्स के साथ क्या है, लॉ के साथ, इकोनॉमिक बिहेवियर, ये सारी चीजें ना ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट MCQ के अंदर पूछ सकते हैं।
तो मतलब मैंने छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन भी पेंसिल से लिखा है, आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ इंट IAASP, मतलब मैंने इसके ऊपर एक बार वीडियो भी बनाया था, एंड इसका मतलब इसका रोल क्या है वो देखना है। सो रोल ऑफ IAASP, उसके अंदर ये बोलता है कि IFSC हैज एस्टैब्लिश्ड IAASP, मतलब कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उसको बनाने वाला कौन है? IFSC, इंटरनेशनल फेडरेशन, ऐसा ही कुछ फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल फेडरेशन IAFC, मतलब मुझे पूरा अभी फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, बट इंटरनेशनल ऐसे ही कुछ है, तो आप वो थोड़ा मॉड्यूल में देख लेना। इट इज सेट अप टू ब्रिंग हार्मोनी इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड द इंटरनेशनल स्केल। फिर आता है कि IFSC ने इसको एस्टैब्लिश किया था IASB को। IASB को जो है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर व्हाट? ऑडिटिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अदर रिलेटेड सर्विस एश्योरेंस एक्सेट्रा। तो इसके ऊपर ये इश्यू करता है। फिर है कि हमारा जो ICAI है वो ही मेंबर है, मेंबर ऑफ IAASB, उसको उसने कॉन्स्टिट्यूट की थी ऑडिट प्रैक्टिस कमिटी, ऑडिट प्रैक्टिस कमेटी APC जिसको हम बोलते हैं, उसने जो कि लेटर ऑन वो कन्वर्ट हो गई AASB में, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था। फिर कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंट कौन कौन से है? तो देखो, एक होता है कि स्टेटमेंट, एक होता है गाइडेंस नोट। स्टेटमेंट जो होता है वो लाइक कंपल्सरी बाइंडिंग होती है, स्टेटमेंट गाइडेंस नोट जो होता है वो आपके ऊपर रिकमेंडेडरी है, अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर फिर उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है, ऐसा चीजें जो है वो लिखा गया है। दे आर रिकमेंडेडरी इन नेचर एंड गाइडेंस नोट्स आर नॉट फॉलोड बाय मेंबर, सो डिस्क्लोजर इन हिज रिपोर्ट इज नेसेसरी, है ना। फिर क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर, कौन कौन सी क्वालिटी है, तो वो चीजें आप देख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखी है, बट आपने आपको अगर MTech में इसका क्वेश्चन देखोगे तो आपको बड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, मतलब इंटीग्रिटी के ऊपर भी पूरी लाइन लिखी है उन्होंने। फिर उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर भी लाइन लिखी, इंडिपेंडेंस के ऊपर भी लाइन लिखी, तो वो लाइन्स आप वहां से देखोगे, बट यहाँ मैंने जस्ट ऊपर ऊपर की क्वालिटीज कवर की है। फिर आपको मिलेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके अंदर ना ये 6 सिस्टम है, कौन कौन सी है, 6 सिस्टम है। फिर मैंने यहाँ लीडरशिप जो पहला वाला है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी वो मैंने कवर किया। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट जो है वो इसके अंदर बायोपिक, ऑडिटर को क्या क्या एथिकली एक मतलब बोलते ना एक रूल्स रेगुलेशंस जो है वो अपने अंदर इनबिल्ट करनी चाहिए, जो कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट है वैसा प्रूफ करे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करो, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस, ड्यू केयर एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स है, तो ये ऑडिटर के पास होना बहुत जरूरी है, तो ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियंस, ये दो लाइन है ना, ये दो चीजें ना आपको मतलब मस्ट टू रट्टा मार ला ऐसा समझ लो आप, तो आपको मस्ट टू रीड डेफिनेशंस, ये दो है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो स्टेट एंड माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस, अलाउइंग एन इंडिविजुअल टू एक्ट विद इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस, तो उसके अंदर बोलते हैं द अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर सो सिग्निफिकेंट दैट वुड रीजनेबली कंक्लूड दैट द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी एंड उसके अंदर और भी बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म हैज नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। रुको, मैंने वापस से बोला, अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आर सो सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड दैट ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, मतलब ऐसी चीजें जो कि ऑडिटर को बताती है सर्कमस्टेंस एंड फैक्ट कि भाई उसकी ऑब्जेक्टिविटी एंड मतलब जो इंटीग्रिटी होगी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हुई है, तो आपको ऐसा नहीं करना ऑडिटर को। एंड दूसरा, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये कुछ थ्रेड्स है, एंड थ्रेड्स के अंदर के एग्जाम्पल मॉड्यूल में से ज़्यादा अगर आप पढ़ सको तो अच्छी बात है। इसके ऊपर MCQ आया था पिछले अटेम्प्ट के अंदर, कि उसके अंदर उसका आंसर ये था कि हमारा ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड उसका आंसर था। उसके अंदर एग्जाम्पल जो था वो आप पढ़ लेना, मुझे भी याद नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, मतलब ये MCQ के रिगार्डिंग जो 2 मार्क का MCQ आता है ना उसके अंदर ये पूछा जाता है। फिर था कि सेफ गार्ड टू इंडिपेंडेंस, मतलब कि ऑडिटर को क्यों इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, क्योंकि पब्लिक हैव कॉन्फिडेंस इन क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एंड ऑडिटर शुड ऑलवेज बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज। तो ये सारी चीजें जो है मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख लेना। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसने मेंटेन किया है कि नहीं किया है, किस तरीके से पता चलता है वो आपको देखना है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी बोला तब भी आपको ये सारी चीजें जो है वो लिखनी पड़ेगी। फिर है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस,
वो आप इतना पढ़ लेना। मॉनिटरिंग प्रोसेस के अंदर का पर्पस क्या है, पर्पस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब लाइक मैंने बहुत देखा है एनटीपी के अंदर, एनआरटीपी के अंदर। प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट कौन कौन सी है, तो ये भी अच्छी बात है। मतलब प्री कंडीशन ये है कि आपको ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है। डिटरमाइन एफआरएफ इज एप्लीकेबल और नॉट, मैनेजमेंट एग्री टू प्रोवाइड ऑन व्हिच ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड, मैनेजमेंट एग्रीइंग ऑन प्रॉमिस ऑन व्हिच ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रोवाइड ऑडिटर टू एक्सेस ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो ये प्री कंडीशन आप चेक कर लोगे जब ऑडिट एक्सेप्ट करोगे, भाई हमको सब कुछ चीज़ों के अंदर मतलब एक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर ऑडिटर को कोई कंसर्न है तो कोई स्टाफ हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती है। लिमिटेशन ऑन स्कोप और प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, तो कौन कौन सी लिमिटेशन आ सकती है वो। फिर आता है कि रिकरिंग ऑडिट के अंदर क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि ये मतलब लाइक हमको मजबूर करते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करें, ऑडिट के टर्म जो है वो हम रिवाइज करें। तो ये सारी चीज़ें जो है तो उसके अंदर एफ मॉन्स्टर ये एक्रोनिम्स है। फिर एग्रीमेंट ऑन विच ऑडिट एंगेजमेंट टीम, तो ये आप पढ़ना बड़ा अंदर का क्योंकि टाइम की लिमिट है, तो टाइम मतलब इसकी वजह से मैं सजेस्ट आपको बता रही हूँ ओवर यू। फिर क्या है कि रीजन ऑफ रिक्वेस्टिंग द चेंज इन एंगेजमेंट इज जस्टिफाइबल, अगर आपको लगता है कि भाई चेंज मतलब ऑडिटर को बोलते हैं मैनेजमेंट के भैया तुम अपने जो मतलब एंगेजमेंट टर्म्स जो है उसको चेंज करो प्लीज़, हमको ज़रूरत है चेंज की, तो ऑडिटर देखेगा चेंज की ज़रूरत है रियल में, अगर है तो फिर ठीक है चेंज करो, उनकी रीजन जस्टिफाइबल है बताओ। अगर नहीं है तो ऑडिटर देखेगा या तो वो विड्रॉ कर लेगा, और अगर विड्रॉ नहीं कर रहा है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा अलग से उसकी ऑब्लिगेशन जिस तरीके से उसको फुलफिल करनी होगी उस तरीके। तो यहाँ चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 के ऊपर देखते हैं फटाफट। तो चैप्टर नंबर 1 ना मैंने मॉड्यूल में से ही उठा के लिखा है, तो एक रीडिंग दो रीडिंग मॉड्यूल में से या फिर अपने नोट्स के मतलब सर के जो भी नोट्स होंगे उसमें से किए होंगे। तो अभी ये 7 पन्नों में पूरा चैप्टर कंसोलिडेट करना लाइक अच्छी बात है, आप इसमें से रेफर कर सकते हो। फिर हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है वो फ्रॉड responsibilities of auditor in this record. So chapter number 5 जो है actually मैं ऐसा करती हूँ, अभी मैंने chapter number 1 तो end कर दिया है, chapter number 5 जो है next video में 10 minute का जो होगा वो ले लेंगे, ताकि क्या होगा अभी मैं एक साथ 3 chapter discuss करूँगी ना तो burden ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये video जो है first chapter के साथ मैं भी conclude करूँगा, इतना देख लूँ, next video के अंदर chapter number 5 जो है वो डिस्कस कर लेंगे।